और यहाँ पे हम रात में भी आए थे यहाँ पर, लेकिन रात का इतना अच्छा सीन नहीं था यार, दिन का सीन ज्यादा अच्छा है। तैयार हो? आओ आपको अपने साथ एक और सफर पर लेकर चलता हूँ। जिंदगी की इस तेज रफ्तार में मैं जहाँ भी जाऊँ आप सब मेरे साथ रहिएगा। कहाँ जा रहा हूँ बताता हूँ, रुको ज़रा। आज है तीसरा दिन वेनिस में, तो जैसा कि आपको पता है कि हम दो दिन पहले वेनिस आए थे और कल भी हमने आपको दिखाया कल के व्लॉग में कि किस तरह हम लोग वेनिस की गलियों में घूमे, वहाँ पे और भी चीज़ें दिखाई हमने आपको। तो आज हम क्या करने वाले हैं यार आज के दिन? आज हम लोग वेनिस आएंगे दोबारा। ठीक है, कल हम वेनिस के हमारे दो चक्कर लगे थे, एक सुबह लगा था। अच्छा, हमने ये बताना भूल गए थे व्लॉग में कल वाले कि हम दोबारा शाम में भी गए थे, तो हमने वहाँ पे नाइट व्यू जो देखा वो बड़ा ही प्यारा था यार। तो वहाँ की जो रात की लाइटिंग थी, जो डे से नाइट पे जब जा रहे होते हैं, और पीसफुल था और बड़ा ज़बरदस्त वेदर था। दिन में ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो रात में वेदर बड़ा ज़बरदस्त था। दिन में बहुत गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा ना, क्योंकि यहाँ पे बताया था हमने कल आपको कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पीक पे जा रहा है। हमारी एक बोट मिस हुई थी, तो आज हम बोट करने जा रहे हैं और उससे व्यू बड़ा ज़बरदस्त आता है वेनिस की, जो कैनाल्स हैं उसका। आज हम कल तो हम पैदल चले थे कैनाल्स देखने के लिए, लेकिन आज हम बोट की राइड करेंगे और आपको दिखाएंगे कैनाल्स सारी। अच्छा, हम अभी हैं यहाँ पे, ये वेनिस के करीब एक सिटी है, मिस्तेरे टाउन है, बेसिकली टाउन कह सकते हैं। हाँ, ये टाउन है, वेनिजिया कहते हैं इटालियन में, तो उसी में आता है, उसी में आता है। यूनिक टाउन है, तीन चार टाउन है यहाँ पे। और यहाँ से बस में जाएंगे दोबारा से, और बस का टिकट आपको बताया था पहले भी कि 1.5 यूरो का टिकट होता है यहाँ से। और अच्छा, उसमें बेस्ट ये काम है कि आप 20 यूरो वाला जो टिकट है वो बस पे भी चल जाता है, बोट पे भी चलता है, वो 24 आवर्स के लिए वैलिड होगा। अच्छा, तो ऐसा भी है? हाँ, तो ये सिर्फ वीकेंड पे होता है या? नहीं नहीं, ये ऑल वीक चलता है, ऑल वीक चलता है। चलो ये अच्छा है टूरिस्ट के लिए, तो चलें चलते हैं आज। देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पे आप बोट में बैठ सकते हैं। ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको टैक्सी लिखा हुआ है, और ये गवर्नमेंट की होती है यहाँ पे, और इनका जो टिकट होता है वो होता है 7.5 यूरो, जो कि 75 मिनट्स का होता है। ये स्टेशन समझ लें यहाँ का, बोट का स्टेशन ना, जहाँ से हम यहीं से ही अभी जाने वाले। जो मेरे पीछे नज़र आ रही है ना आपको, ये वाली ये टैक्सी, और ये आप प्राइवेट है, 40 से 50 यूरो में आप इसको हायर कर सकते हैं, और इसमें भी आपको पूरा राउंड वेनिस का घुमाएगा, जिसके अंदर 60 मिनट या 70 मिनट्स होते हैं। When it's come to beauty, God has blessed Pakistan with immense natural beauty. लेकिन हम आलूदगी से अपनी जगहों को बिगाड़ देते हैं। इधर तकरीबन 4.4 मिलियन लोग हर साल आते हैं, लेकिन इस जगह की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती। शायद यहाँ के लॉज स्ट्रिक्ट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, या यहाँ के लोग इन जगहों को वैल्यू ज़्यादा करते हैं। Oh, 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 oh,
पीछे का नज़ारा यार कितना खूबसूरत है। अच्छा इस बोट का फ़ायदा ये है कि आप इनके डिफरेंट स्टॉप होते हैं और ये हर स्टॉप पे रुकती है हर 5-5 मिनट बाद। इसके अंदर जिसका टिकट जो होता है वो 7.5 यूरो का टिकट है और 75 मिनट होते हैं। इसके अंदर आप पूरा वेनिस घूम सकते हैं। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और इतना कॉस्टली भी नहीं है, टिकट बहुत सस्ता है। और हम बोर्ड में बैठ के अपनी आखिरी डेस्टिनेशन जो वेनिस की है, जहाँ पे हमें पहुँचना था, सैन मार्को। आपको सामने नाम भी दिख रहा होगा, हम सैन मार्को पहुँच गए हैं। और सैन मार्को के अपोजिट आप देखेंगे तो लाइन से आपको पूरी एक स्ट्रीट नज़र आएगी और स्ट्रीट के अंदर डिफरेंट शॉप्स हैं और आप यहाँ से यहाँ के सोवनियर जो होते हैं वेनिस के वो ख़रीद सकते हैं। तो आप जब भी यहाँ पर आइएगा वेनिस, तो ज़रूर यहाँ के सोवनियर ख़रीदिएगा। आपने अभी देख लिया हम लोग किस में बैठ के आए, यहाँ की जो फेरी कहेंगे उसको क्या कहेंगे? बोट बोल देंगे। अच्छा सुलेमान थोड़ा बताएंगे उस बोर्ड के बारे में कि किस तरह आ सकते हैं और क्या डिटेल है उसकी। तो अभी हम लोग ना जैसे बता रहा था कि यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं सैन मार्को पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले बस पे पहुँचे हम वेनिस में, और वेनिस से हमने बोट ली है। बोट इनकी जाती है दो, एक है नंबर 1 और एक है नंबर 2। उसका नंबर है 2। तो हम लोगों ने 2 वाली ली है। जो 1 वाली है उसके स्टॉप ज़्यादा होते हैं, जो 2 वाली है उसके स्टॉप्स कम है। अच्छा, हम 2 में इसके स्टॉप कम थे। अच्छा, तो मतलब बीच के स्टॉप ये रुका नहीं था, ये रुका कम था, रुका बस एक एक मिनट रुका था। तो हम ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में लास्ट स्टॉप पे पहुंच गए, 10 to 15 मिनट्स। उसमें टाइम ज़्यादा आया होता। हाँ, तो अभी हम लोग ये लास्ट स्टॉप पे आए हैं और यहाँ पे जैसे बता रहा था कि यहाँ पे सब ये सोवेनियर वगैरह वाली चीज़ें हैं, ये जो आपको दिख रही है, एक्सप्लोर करते हैं। और बोट वाला जो जर्नी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा यार, बोट ऑफ मस्ट ट्राई, यू गाइस शुड ट्राई दैट। आप यहाँ पे अच्छा डिफरेंट किस्म के हैं, ठीक है। ये जो बोट थी इसका टिकट था 7.5 यूरो का। यहाँ पे आपको टैक्सी भी मिल जाएगी, उसका 40 यूरो का है टैक्सी का, आई गेस 40-50 यूरो ना। और यहाँ पे एक सिंगल जग, अगर आप कपल में आ रहे हैं तो उनके लिए भी बोट चलती है 80 यूरो का। और उसका ऐसा भी सुना है कि उसका इवनिंग में शायद रेट बढ़ जाते हैं, तो वो कपल के लिए बहुत बेस्ट है। और लेकिन हमारे लिए अच्छी थी, बेहतर थी। तो चलो चलते हैं फिर आगे दिखाते हैं, ठीक है। मैं आपको तो साथ साथ बताता चलूँ कि अभी हम जो यहाँ पे शिप थी बोट बड़ी, उसको बोट कह सकते हैं, अभी हम उसके अंदर आए थे। और यहाँ पे हम रात में भी आए थे यहाँ पर, लेकिन रात का इतना अच्छा सीन नहीं था यार। दिन का सीन ज़्यादा अच्छा है, रात में भी आए थे यहाँ पे, याद है? रात वाला तो अपना मज़ा था ना, रात वाला अपना मज़ा था। लेकिन अच्छा, दोनों के अपने अपने पैसे, ये पैसे वसूल करने, तो दिन का भी देखो और रात में भी देखो। अच्छा लेकिन फैमिली के साथ कपल्स वगैरह आए तो रात में जो एनवायरनमेंट है ना वो यहाँ पे ज़बरदस्त है यार। वो आइसक्रीम खाए साथ में, और रात की ठंडी हवाएं वेनिस की, तो फिर पता है ना ठंडी हवा तो अभी इस टाइम भी चल रही है। लेकिन कल से मौसम अच्छा है, कल हवा नहीं थी, कल ना हफ्स था, यहाँ गर्मी ज़्यादा थी। लेकिन ये पैलेस था किंग का, जो वेनिस का किंग था। अच्छा, इनको साथ में इसका जो है वो घर भी है, ठीक है यहाँ पे सारा कुछ। चलो अभी दिखा देते हैं कि जहाँ पे बादशाह यहाँ पे आता था। अच्छा, अभी जिस जगह हम आए हुए हैं, ये यहाँ की बहुत ही वेनिस की जो मेन जगह है ना, ये हिस्टोरिकल प्लेस है। और इस जगह का नाम है, ये बहुत बड़ी जगह है और ये खुली जगह है, और इस जगह का नाम है प्याज़ा सैन मार्को। अच्छा, पीछे जो आपको भी दिख रहा है ये प्याज़ा सैन मार्को है। इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे इस जगह पे बादशाह आता था ऊपर, और यहाँ पे महफिल होती थी पूरी ना। ये पूरी आपको पीछे जगह दिख रही होगी प्याज़ा, और यहाँ पे वो
अपनी जितनी महफिल होती है वो देखता था, यहाँ से यहाँ बादशाह बैठता था, ठीक है। और ये वाला जो पैलेस आपको दिख रहा है ये उसका घर था बादशाह का, बादशाह इस घर से निकलता था और इस जगह पे बैठता था ऊपर। तो ये बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं सबसे ज़्यादा रश यहीं पर ही होता है वेनिस के अंदर। उसका नाम है प्यादा सैन मार्को। अच्छा, ये है बिल्डिंग जो मैं आपको बता रहा था, जो उसकी जो मेन एंट्रेंस है पैलेस की, ये है जो पूरा ये प्याजा है और इसकी एंट्रेंस ये है, जहाँ पे इवेंट इनके एक इवेंट होता है जिसके अंदर ये डिफरेंट वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, वो भी इसी जगह पर होता है। वाकई में मुझे नहीं पता था कि यहाँ की खूबसूरती खुद बोलती है। जब मैंने इसको करीब से देखा, सैन मार्को की जो पैलेस बना हुआ है पूरा, तो मैं बयान नहीं कर सकता कि ये कितना खूबसूरत था, क्योंकि आप जब सामने देखते हैं तो उसकी बात अलग होती है, और पिक्चर में देखते हैं, अगर आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं तो उसकी बात अलग होगी। ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी, इसके ऊपर जो नक्श बने हुए थे, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग जो थी। अच्छा, ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना ब्रिज, ये है वो ब्रिज यहाँ का ना, सबसे ज़्यादा यहाँ यहीं पर ही लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही प्यारा, यहाँ का सबसे बड़ा ब्रिज यही वाला है। था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि वेनिस आपको अच्छा लगा होगा, और क्यों नहीं लगेगा अच्छा, यह है इतना खूबसूरत। और यहाँ पे आए पैसा वसूले, तो फिर रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा हाजिर होऊंगा मैं एक नए व्लॉग के साथ, नई जगह होगी और आपको नई इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। चाचाओ।